दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का नॉलेज फ्रॉम आरपी यूट्यूब चैनल में। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डीआरडीओ के एस्पिरेंट्स ने, जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है और एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो बहुत सारे जो है स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर, मैं फॉर्म का प्रिंट आउट नहीं ले पाया हूँ, या फिर मैंने कुछ गलत फिल कर दिया है, या फिर जो है मैंने जो है वो कर दिया है, क्या कहते हैं, जॉब प्रेफरेंस मैंने लोकेशन वाइज और कुछ और डाली थी, पोस्ट प्रेफरेंस मैंने कुछ और डाली थी, लेकिन वो फॉर्म सबमिट होने के बाद कुछ और दिखा रहा है। तो आप लोगों के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप उसको करेक्ट कर सकती हैं। DRDO सेप्टम 9 की जो वेबसाइट है, आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, एडिट या डाउनलोड एप्लीकेशन आपका जो भी है, और उसके बाद आप वहाँ पर जा करके सारी चीज़ों को, जो भी आपको लगता है आपने गलत भर दी थी या फिर आपका वो बाद में गलत अपने आप हो गई, आप उसको करेक्ट कर लीजिए तुरंत। और ये शायद 18 तारीख तक ही होगा, तो इसको जल्दी से तुरंत कर दीजिए। 12 से 18 तक होना था, तो आज लगभग 14 या 15 तारीख है, तो ये आप ज़रूर कर लीजिए। अभी मुझे पता चला ये बात, तो मैंने सोचा सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, क्योंकि लास्ट समय में फिर ऐसा ना हो कि बहुत सारे लोग इकट्ठे करेक्शन करने लगे और आपका वेबसाइट वगैरह ना खुले। तो तुरंत काम ये सब कर लीजिए अपना। और कुछ लोगों ने, जिन्होंने बीटेक कर रहे हैं फिर भी उन्होंने लगा दिया मैं बीटेक नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें आप जाइए, अपियरिंग में बीटेक लगाइए। क्योंकि क्या होता है, जब अगर आपको जॉब मिल जाती है, अगर आप हायर डिग्री परस्यू करते हैं, तो जो भी आपका उसमें आप टाइम डालेंगे, डेट डालेंगे कि इतने तारीख इस महीने में, इस ईयर में मेरा ये डिग्री पूरा होगा, वो उतने दिन का आपको समय देते हैं कि आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लो, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो ये सब भी आप अपना करेक्ट कर लें। और इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, इतना है। मैं थोड़ा सा आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी इसके बाद दिखा देता हूँ कि कैसे आपको जाकर के कौन से लिंक पर क्लिक करके अपना फॉर्म एडिट करना है। तो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं, ये मेरे मोबाइल का नॉर्मल सा गूगल क्रोम का ब्राउज़र है, जिसमें मैंने google.com खोल के रखा है। आपको बस यहाँ पर सेप्टम 9 सर्च करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये सब चीज़ें बहुत ईजी लगती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ज़्यादा इस सब की मतलब उतना जानकारी नहीं होती है, तो इसलिए मैं इस बढ़िया से बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, आपको septam9.com आ गया, इसको आप ओपन कर लीजिएगा, सबसे पहले ही आपको मिल जाएगा ये। अब यहाँ पर देखिए, जो पुरानी चीज़ें आ रही थी वो तो आ ही रही हैं, लेकिन साथ में देखिए, डाउनलोड या एडिट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर septam09 STAB एडवर्टाइजमेंट थ्रू लॉगिन। तो आपका जो भी आपको पासवर्ड और अपनी ईमेल आईडी आपका होगा, लॉगिन आईडी, उसके थ्रू आप यहाँ पर जो है जा करके वो कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने थ्रो लॉगिन पे क्लिक किया और ये देखिए नया पेज खुल गया, जिसमें ईमेल आईडी, रावण और सुरक्षा कोड मांग रहा है। तो ये आप जो है, ये अभी सही से खुल नहीं रहा, आप ट्राई करिएगा, आपका खुल जाएगा। तो वहाँ पर आप अपना ये सब ईमेल आईडी, पासवर्ड और सुरक्षा कोड डाल दीजिएगा। मैंने ये मोबाइल पे खोला है, अगर आपके पास लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो तो आप उस पर ही खोलें, और नहीं तो साइबर कैफे जाके कर लें, तो आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आसानी से हो जाएगा। और उसमें आप नॉर्मल आगे के आपको जो भी ऑप्शंस आता है उनको फॉलो करते हुए अपना पेपर, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म पूरा एडिट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको जो है आपका प्रिंट आउट ज़रूर से ले लेना है, उसे बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो मैंने जो जो करेक्शन करने के लिए मैंने बताया कि आप देख सकते हैं, वो आप देख करके उसे करिए। और ये नवरात्र में समझ लीजिए कि भगवान ने सीधा सीधा आशीर्वाद दे दिया आप लोगों को, जिनका गलत हो गया था। तो अब ख़त्म करते हैं बात। और जो है फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, भारत माता की जय, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, क्योंकि आने वाले समय में कुछ प्रिपरेशन रिलेटेड वीडियोस आएंगी। और जो है इस वीडियो को शेयर भी कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी लोगों को ये पता चल जाए और वो समय रहते अपना फॉर्म सही कर लें। तो आज के लिए बाय बाय।